भगवान ये नमामि देवी नर्मदे, हम पहुंच चुके हैं अभी नर्मदा नदी के पास में, आप लोगों को दर्शन भी करवा देते हैं। तो नर्मदा नदी का दर्शन कीजिए आप लोग, शियार जी की छोटी सी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हम लोगों को प्यार से देख रही है, तो ये खेल रही थी, इसकी फैमिली भी होगी आसपास, तो ये हम लोग को जंगल में दिखी है। बाय बाय, हैव फन, टाटा। ऊपर में रास्ता यहाँ का हम लोग जा रहे हैं, हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत अच्छी ग्रीनरी है, वेदर भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ ये हम लोग का नया घर है, ये हॉल है, सामान अपना स्टार्ट हो चुका है और ये है किचन यहाँ का, और इधर एक वॉशरूम है, इधर एक और छोटा सा रूम है, और ये है रहा बेडरूम हमारा, इधर भी एक वॉशरूम है और एक और रूम इस साइड है। तो अभी ये सामान यहाँ पर हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे सामान सेट करूँगी तो आप लोगों को फिर दिखाती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। पर टीवी है, प्लास्टिक चेयर है, बट ये जो सामान दिख रहा है आप लोग बिलीव नहीं करोगे, इसमें किचन के आइटम्स हैं और सिर्फ कपड़े हैं, सारा सामान है यार, सिर्फ कपड़े, किचन है और कुछ ज़रूरी सामान को अनपैक करने में पता नहीं कितनी हालत ख़राब होने वाली है, पता नहीं कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले भगवान वाला चीज़ को सेट कर लेती हूँ, तो अभी मैं अभी एजटी जैसा है वैसे रख देती हूँ भगवान का, इसको मैं सेट कर लेती हूँ। A few moments later. तो अभी मैंने अपना मंदिर है वो सेट कर लिया है, और ये डायरेक्शन शायद तक साउथ साइड है, बोलते हैं ईस्ट साइड रखना चाहिए, तो हम इसका डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। आई थिंक इधर कर्टन्स लगने के बाद फिर हम लगा लेंगे। इधर कुछ कर्टन्स रखे हुए हैं और ये हम लोगों का मतलब चेयर वेयर रखा हुआ है, और ये डाइनिंग टेबल है। ये वॉल मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है। एंड ये हमारा टीवी है क्यूट सा, और मैं चलिए आपको मैं अंदर का रूम दिखा देती हूँ, अभी सब मेसी है। एंड इधर मैंने किचन ओपन कर लिया है, किचन के बॉक्स जो है सब ओपन हो चुके हैं, किचन काफ़ी बिग है बट काफ़ी सफाई रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मॉड्यूलर किचन है, तो इसमें डस्टिंग का इश्यू बहुत हो जाता है। और ऊपर मैंने सिलेंडर रखे हुए हैं एंड ये पैसेज है, उसके बाद फिर आप इधर आ जाइए। इधर अभी मैंने बहुत सारे सामान ओपन कर लिए हैं, ये जो बॉक्स दिख रहे हैं इसमें पूरे मेरे कपड़े ही हैं हमारे, एंड ये इधर भी कुछ कुछ कपड़े हैं, और ये शूज रैक्स हैं इस साइड में, और ये थोड़ा सा बाथरूम के आइटम्स थे वो भी निकल गए हैं। और इस साइड में अभी कुछ कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि उधर छिपकली है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, तो इधर की आइटम को मैंने अभी छोड़ दिया है, अभी रख दिए हैं। चलिए आपको मैं यहाँ का वेदर है, ये फोर्थ फ्लोर है और यहाँ से व्यू ऐसा दिखता है, सामने बिल्डिंग है और नीचे हमारी पार्किंग है, तो यहाँ से पार्किंग भी दिख जा रही होगी आप लोगों को। और मेरे पास एक ही प्लांट था वहाँ पर जहाँ मैं रहती थी इससे पहले, तो मैंने उसको ले आई हूँ। तो अभी इस एरिया में वॉशिंग मशीन फिट होगा क्योंकि वॉशिंग मशीन तो बहुत ज़रूरी है, तो जैसे ही धीरे धीरे जैसे होते जाएगा तो मैं आप लोग को अपडेट दे दूँगी, तो बताइएगा फिर जो ओवरऑल घर जो रहेगा। मैं लास्ट में आप लोगों को बेडरूम और ये वॉशरूम जुड़ा हुआ है, और ये हमारे सामान रखे हुए हैं, तो ये धीरे धीरे करके सब सामान सेट होंगे, तो अभी तो सब मैसी दिख रहा होगा, तो मैंने ऐसे रख लिया। मेरे कॉस्मेटिक अपना दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर सजाया है, ये फ्लोर पे ही मैंने अपने ये सब रख लिए हैं। वॉशरूम कैसा है यहाँ का, तो ये है वॉशरूम, यहाँ पर मैंने ऐसा अभी सजा दिया है वॉशरूम के पास में, तो ये क्यूट सा वॉशरूम है, टाइनी टाइप का। A few moments later. हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने लेके आई कुछ वेजिटेबल्स, तो ये छोटे बैंगन ले आई हूँ, टमाटर की जो प्राइस है वो बहुत हाई हो गई है,
तो अभी थोड़ा सा टमाटर मैंने कम लाया है, पाव भर लेके आई हूँ। एंड ये हमारा आटा है, यहाँ से मैंने आटा ले लिया था, और ये तुअर दाल है। तो लेट्स सी, अब खाना वाना तो बन ही रहा था, मैं ये सब सामान ले आई हूँ। और सोप लेके आई हूँ लक्स एंड हमाम, अपना हमाम।